The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, चालू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और दोस्तों, आज आपके साथ में जो बातचीत होने वाली है, आज का टॉपिक है हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये ऐसा टेस्ट है जो बताएगा कि पेशेंट सीरियस होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसका क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम, और ये क्यों काम आता है, किस किस टेस्ट में काम आता है, किस किस बीमारी में बढ़ जाता है, किस किस बीमारी में काम आता है, और कोविड में भी बहुत काम आता है ये टेस्ट, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या चीज़ है और हाई सेंसिटिविटी क्यों घुसाया गया है इसमें, और इसमें क्यों हाई सेंसिटिविटी की वैल्यू है और वो अब ज़्यादा किया जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन अब किया ही नहीं जाता ज़्यादातर अच्छी जगहों पर। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है बनाता है आपका लिवर। पहले सी रिएक्टिव प्रोटीन इज मेड बाय, इसको बोलते हैं CRP, इज मेड बाय योर लिवर। लिवर CRP तब बनाता है जब देर इज इन्फ्लामेशन थ्रू आउट योर बॉडी या कोई ना कोई एक बॉडी की जगह पे कहीं भी इन्फ्लामेशन है, और लिवर विल मेक CRP। इट इज़ वन ऑफ द एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में बनता है। तो ये हर एक के शरीर में हर एक टाइप के इन्फ्लामेशन, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चोट लगे, आर्थराइटिस हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कोविड हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, CRP बढ़ेगा, बनेगा, ठीक है। एक्यूट फेज रिएक्शन जिसका नाम है जो है साइटोकाइंस। एक्यूट फेज रिएक्शन इंक्रीज होते हैं बिकॉज बॉडी में साइटोकाइंस इंक्रीज होते हैं, राइट। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये साइटोकाइंस जो हैं, ये बनते हैं आपके रेड वाइट ब्लड सेल से। वाइट ब्लड सेल को जब भी आपको ये आता है, क्या नाम है, इन्फेक्शन दिखता है, कोई कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, वो साइटोकाइंस छोड़ते हैं। साइटोकाइंस के वजह से HSCRP निकलता है। ये सारा इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन बम गोले के जैसा होता है, जैसे आपके बंदूकें चलती है, बम गोले चलते हैं दुश्मन को मारने के लिए, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको भी गोली लग सकती है। आपके नॉर्मल पर्सन, जैसे कश्मीर में नॉर्मल लोगों को भी गोली लग जाती है, नॉर्मल लोगों के घर बाहर फूट जाते हैं, वैसी ज़्यादा बम गोले भी नहीं होना चाहिए। सेम वे इन चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसी के लेवल को देख के हम ये बता सकते हैं कि सीरियस होने वाली बीमारी है या नहीं। सो CRP का टेस्ट ब्लड से किया जाता है। ब्लड लेके उसका डायरेक्टली टेस्ट किया जा सकता है। और ये टेस्ट कब करेंगे, CRP लेवल किसी को भी इन्फेक्शन वाली कोई भी बीमारी में किया जा सकता है। अल्टीमेटली ये दो चीज़ों में किया जा सकता है। नंबर एक, इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर है कि नहीं देखने के लिए। नंबर दो, क्या हम जो दवा दे रहे हैं, मान लो हम रोज़ CRP कर रहे हैं, HSCRP रोज़ कर रहे हैं और वो कम होते जा रहा है, मतलब जो हम दवा दे रहे हैं वो असर कर रही है। नंबर तीन, अगर आप किसी बीमारी के लिए लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, जैसे कोई लॉन्ग टर्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई ऐसी खतरनाक जो बहुत लंबी चलती है, उसमें भी हम लंबे समय में बीच में CRP करा के देखते हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम जो है इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सो लो CRP मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कम हो रहा है, लेकिन लो CRP का मतलब नो इन्फ्लामेशन ऐसा नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों में CRP जो है हमेशा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लामेशन है, बात खत्म। सो लो CRP लेवल does not always mean there is no inflammation. तो इसलिए दो टेस्ट होते हैं, CRP और ESR, ये दोनों किए जाते हैं और दोनों को देखा जाता है। मोर सेंसिटिव टेस्ट जो है वो है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। वाई इट इज हाई सेंसिटिविटी, थोड़ा सा भी एलिवेशन को पकड़ लेगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो वो पकड़ लेगा, और ये होती है हाई सेंसिटिविटी की बात। अगर हम नॉर्मल CRP की बात करें तो नॉर्मल CRP का जो वैल्यू होता है आपके ब्लड के अंदर जो डिटेक्टेबल होता है, ये अगर लो रिस्क है तो CRP लो आएगा, मतलब लेस देन 1.0 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। 1 से नीचे है तो वेरी लो रिस्क है। एवरेज रिस्क मतलब 1 to 3 है, और 3 से ज़्यादा अगर HSCI हाई सेंसिटिविटी CRP 3 से ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क माना जाता है। नाउ कोविड की बीमारी जो चल रही है, ये जो हाई रिस्क की बात हो रही है, ये 3
और थ्री से नहीं, 1 to 3 और 0, ये हार्ट अटैक के लिए भी है। हार्ट अटैक का रिस्क भी माना जाता है अगर आपका 3 से ज़्यादा HSCRP है और बहुत हाई है, 3 mg/L। और कोविड की बीमारी में भी इसको इम्पोर्टेंस है, अगर कोविड में ये आपका 10 से ज़्यादा है तो मतलब इन्फ्लेक्शन जो है माइल्ड है, 30 से ज़्यादा है तो मॉडरेट है, 100 से ज़्यादा है तो बहुत खतरनाक इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। सो 100 से ज़्यादा मान के चलिए तो फिर बहुत हैवी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कोविड-19 में भी CRP का टेस्ट किया जाता है और रेगुलरली करके देखा जाता है। एबनॉर्मल टेस्ट लेकिन और भी चीज़ों में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा को मेरा CRP 10 है तो मेरे को हार्ट अटैक ही होगा या मुझे कोविड ही होगा, ऐसा नहीं। ये किसी भी तरीके के कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, हार्ट अटैक, कैंसर, सब में बढ़ेगा। सो इसमें किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशनरी बीमारी में CRP बढ़ेगा। CRP रिजल्ट को आपकी हिस्ट्री के साथ मिला के देखा जाता है कि ठीक है, हिस्ट्री के साथ मिला के देखा जाता है कि भाई ये कहाँ की बीमारी है और वहां पर CRP बढ़ा है मतलब किस प्रकार का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, डिजीज, बीमारी होगी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, CRP लेवल आपका प्रेगनेंसी में भी बढ़ेगा। तो प्रेग्नेंट है और CRP बढ़ रहा तो घबराओ मत, और बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, CRP बढ़ रहा वो भी बढ़ता है। और अगर आपका CRP लेवल लो है तो फिर भी आपको दूसरे टेस्टों पे भरोसा करना है। अगर दूसरे टेस्टों में इन्फेक्शन आ रहा है तो इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में एक्चुअल इम्यून रिस्पॉन्स ही कम है। मान लो आपके शहर में पुलिस वाले ही नहीं आते, इसका मतलब ये थोड़ी कि गुंडे नहीं है, लेकिन अगर पुलिस की भीड़ हो गई तो मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यही हिसाब CRP के साथ है, अगर बहुत सारा CRP दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर CRP नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ नहीं है, ये भी हिसाब समझ लीजिए। सो वो अगर वो CRP नहीं है फिर भी गड़बड़ है, मतलब हो सकता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स ही बहुत शॉर्ट हो सकता है आपका लिवर गड़बड़ हो रही हो, लिवर बना ही नहीं पा रहा हो, तो और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं CRP बढ़ने के। अब इसके अगर एक तो हो गया कि हार्ट अटैक के लिए CRP करते हैं, कई लोग हार्ट के रिस्क के लिए करते हैं, सर मेरा हार्ट का रिस्क बढ़ा हुआ है क्या, मेरा हार्ट का रिस्क बढ़ा हुआ है क्या, नहीं, आपका क्लिनिकल पिक्चर देखना जरूरी है। मगर यस, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो CRP बढ़ा हुआ है तो हार्ट का रिस्क बढ़ा हुआ मान के चल सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब CRP कॉन्सेंट्रेशन जो बीमारी में ना बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी बढ़ता है, अने एकदम से 100 गुना बढ़ जाएगा, एक कोई चोट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फ्लामेशन 100 गुना बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है। और एथरोस्क्लेरोसिस, आपकी खून की नसों में ब्लॉकेज आ रहा है, उससे भी आपका जो CRP है वो भी बढ़ेगा। और मल्टीपल जगहों पे ये देखा गया है कि अगर आपका CRP बढ़ा हुआ है तो एथरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस चल रहा है, ब्लड थिनर्स चालू करने में कोई नुकसान नहीं है। सो याद रखिएगा, और यहाँ पर अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ वैल्यूज अलग दी जाएगी। हाई सेंसिटिविटी CRP को लो रिस्क में 1 to 2 मान के, 1 to 2 mg/L। हाई रिस्क में आप कहीं पर भी अगर मॉडरेट टू हाई रिस्क माने तो 1 to 3 के बीच में मॉडरेट रिस्क, और 3 से ज़्यादा हाई रिस्क माने, और अगर 10 से ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं एक्यूट इन्फ्लामेशन है, चोट लगी है, इंजरी हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, कुछ एक्यूट है। सो 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को समझ के चलना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ हाई सेंसिटिविटी CRP। और CRP टेस्ट कराने में झिझकिए मत, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो डेली बेसिस पे 3-4 या एक दिन छोड़ के CRP, CBC, ESR कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी कम हो रही है या नहीं। सो आई होप दिस इन्फ्लामेशन वॉज इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी, एंड कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि यूट्यूब और सॉरी जो ये भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।